किसी को सेहरा सजने वाला है भाई। प्रणाम। तो आज हम लोग जा रहे हैं कथा में मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है। हम हैं, हमारे साथी जितेंद्र जी हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं बेचारे, दिखने लायक हैं या नहीं दिखेंगे कहाँ से। उसके बाद हम लोग लंका पहुँचने वाले हैं, वाराणसी में हैं। उसके बाद पहुँचेंगे कैंट, वहाँ से ट्रेन है इलाहाबाद, इलाहाबाद से इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे हम लोग मध्य प्रदेश की रीवा, ठीक है। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे दिखाएंगे आप सबको, ठीक, जुड़े रहिएगा। बेचारा बड़ा नाराज है क्योंकि इसका चड्डी गुम हो गया है, नहीं मिला है। बाकी देखिए हम लोग बस में हैं, इलाहाबाद पहुंचेंगे। इलाहाबाद के बाद मध्य प्रदेश रीवा के लिए रवाना होंगे, वहां पे सभी लोग मिल जाएंगे अपने। बने रहिए आप सब वीडियो में, खूब दिखाएंगे, खूब घुमाएंगे, जहां जा जाएंगे सब घुमाएंगे। जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं, आप सब वीडियो में बने रहिए। जितेंद्र जी सो के उठे हैं, काफी गुस्से में हैं, जानते हैं चड्डी खोई हुई है। जितेंद्र थोड़ा चेहरा चेहरा दिखाइए, मास्क हटाइए, नहीं हटाएं, जानते हैं कि चड्डी खो गई है, गुस्से में है। और हम लोग पहुंच गए हैं बर्फ के आगे हैं, और जल्दी पहुंच जाएंगे प्रयागराज, ठीक है, चुंगी पे वहाँ से पहुँचेंगे, फिर कथा सब जाना है। जितेंद्र जी से बात करने मजा आ रहा है। जितेंद्र जी कुछ बोलिए अपने मुखार बिंदु से। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी चड्डी खोया हुआ है। हम लोग पहुँच चुके हैं कुंभ वाले जगह पे, जहाँ से कुंभ स्नान किया जाता है। छोटी छोटी झोपड़पट्टी आप सबको दिख रही होंगी। ये कुंभ का जगह है, यही वो जगह है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, कुंभ स्नान करते हैं। हम लोग पहुंचने वाले थोड़ी देर और, बीच में कुंभ जी का दर्शन हो गया, आप सबको भी दिखा दिए। जय हो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बस में, ये गुरु जी लोग हैं यहाँ पे, वहाँ पे मुख्य गुरु जी, ठीक है। ये हमारे जिनका चड्डी खो गया है वो है। यहाँ चलेंगे हम लोग, बहुत दूरी जाएंगे, पटेरा नाम है, ठीक है, पूरे पटेरा बाजार जाएंगे हम लोग। फिर कल से कथा आप लोग सबको सुनाएंगे, जब मिजाज में गुरु जी, हम सब संगीत के संगीत वादक हैं, गुरु जी वहाँ है, कथा वो सुनाएंगे। बाकी हम लोग संगीत वाले हैं, आप सबको कथा और म्यूजिक सबको सुनाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम लोग इंटर कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का नज़ारा है, और उम्मीद है जल्दी ही पहुँच जाएंगे कथा स्थल पे रीवा में। हम लोग बेचारा चड्डी के शोक सभा मनाते हुए जितेंद्र, बाकी गुरु जी लोग सब हैं, सुहागी बाहर आने वाला है। चाक घाट हम लोग पार कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, यहाँ पे लगभग बस में सभी लोग सो गए हैं, बस अभी हम लोग और गुरु जी लोग जाग रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सो गए हैं, दबा के पूरा गधा बेच के। रास्ते में पहुँच चुके हैं हम लोग, बारात तक की तैयारी हो रही है। देखिए किसी को सेहरा सजने वाला है भाई, और रास्ते हम लोग हैं। देखिए जितेंद्र चड्डी खोने की खुशी में नाच रहे हैं, ठीक है, बेचारा बच्चा है अभी, नाचता है बिल्कुल। गुरु जी वहाँ पर बैठे हैं, और हम लोग बड़ी अच्छे से यात्रा कर रहे हैं, जल्दी पहुँचने वाले हैं कथास्थल पर। फाइनली हम लोग कथास्थल पर पहुँच चुके हैं, यहीं है, बहुत अच्छा पंडाल सजा हुआ है। गुरु जी लोग पहुँच गए, हम लोग पीछे पीछे से आ रहे हैं, और बहुत सुंदर सजा हुआ है। गुरु जी के बाद हमारा मंच लगेगा संगीत का, और ये रहा बहुत अच्छे अच्छे पकवान, काजू किशमिश, काजू कतरी है, बर्फ़ी है, चड्डी वाले भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं दिखा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सबने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम संगीत से हैं तो हर जगह घुमाएँगे आप लोग को, जहाँ जहाँ जाएँगे बेचारा खाल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।